हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं बनाने जा रही हूँ टेस्टी और हेल्दी खाना। उसके लिए मैंने आलू, मेथी, धनिया, टमाटर, प्याज और सूखी हुई कश्मीरी लाल मिर्ची ली है। इन्हें मैंने अच्छे से धो लिया है 3-4 पानी से। आलू को बारीक बारीक कट कर लिया है, हरी मिर्ची को भी बारीक बारीक कट कर लिया है, टमाटर को भी छोटे छोटे पीस में काट लिया है। बहुत थोड़ा सा तेल लिया है, गैस ऑन कर दिया। इसके बाद में मैंने मेथी दाना, जीरा, राई और चुटकी भर हींग डाला है। इसके बाद में मैंने डाली है हरी मिर्ची और फिर कटे हुए आलू इसमें डाल दिए हैं। थोड़ा सा चला लिया है, स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक डाल दिया है। इसके बाद में इसे हम थोड़ा सा ढक के रख देंगे। आलू थोड़े सॉफ्ट हो जाए उसके बाद में टमाटर के पीस डाल देंगे। थोड़ा सा चला लिया, इसके बाद में मैं इसमें डाल रही हूँ मसाले। उसमें मैंने डाला है आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर। इसे फिर से अच्छे से चला लिया है। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड किया है ताकि आलू थोड़े से गल जाए और सॉफ्ट हो जाए। इसे ढक के रख दिया है और जब तक ये थोड़ा पकता है तब तक मैं मेथी को छोटे छोटे पीस में कट कर लेती हूँ। प्याज को भी छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है। सब्जी को देखा, सब्जी अच्छे से पक गई है, गल गई है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हरा धनिया, थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। हरा धनिया अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इसको ढककर एक तरफ रख देते हैं। ये मैंने लिया है मल्टीग्रेन आटा, लगभग 1.5 कप। उसमें मैंने आधा कप बेसन मिक्स किया है। कट किए हुए प्याज और हरी मिर्ची मैंने इसमें डाल दी है। बाद में मैंने इसमें मेथी डाल दी है। 1 छोटा चम्मच मैंने इसमें सौंफ डाली है, हल्दी पाउडर 1 छोटा चम्मच, धनिया पाउडर, ये कश्मीरी लाल मिर्ची है ये भी मैंने इसमें डाल दी है। ये बिल्कुल छोटा वाला चम्मच होता है ना मसाले का, वही है। और ये थोड़ा सा मैंने दही और गरम मसाला मिक्स किया है। इसको गूंद लेंगे। ये मल्टीग्रेन आटा है तो थोड़ा चिपकेगा, हल्का सा आप तेल लगा के इसको गूंद लीजिए। फिर इसको थोड़ी देर रेस्ट पर रख लेंगे। अब मैंने लिया है फेंटा हुआ दही, उसमें मैंने डाला है भुना हुआ जीरा, कटा हुआ बारीक धनिया, थोड़ी सी पीसी हुई चीनी, स्वादानुसार नमक और लाल मिर्ची। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मैं रायते के लिए तैयार कर रही हूँ दही। आवश्यकता अनुसार इसमें पानी डाल लीजिए। अब इसमें मैं बूंदी ऐड कर रही हूँ। इसे मैंने गर्म पानी में डाल के नहीं निकाला है, सीधा ही डाला है। थोड़ी कुरकुरी होती है तो बहुत टेस्टी लगती है खाने में। कभी इस तरह से आप बना कर देखिए, रायता बहुत टेस्टी लगता है। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब हम लोग पराठे बनाने की तैयारी करते हैं। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ये मल्टीग्रेन आटा है तो थोड़ा चिपकता है, इसलिए थोड़ा सा आटा इस पर ज़्यादा लगाना पड़ेगा। फिर इसको बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से गूंद लेते हैं। ये इस तरह से थोड़ा मोटा बनेगा पराठा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ग्रेन्स होते हैं। ये मैंने इसको तवे पे डाल लिया है। हाथ में लगे तो थोड़ा सा हाथ में आटा लगा लीजिए। बिल्कुल हल्का तेल लगाकर इसको अलट पलट करके सेक लीजिए। ये बहुत हेल्दी होते हैं क्योंकि इसमें सभी तरह के ग्रेन्स होते हैं, तो ये खाने के लिए बहुत हेल्दी होते हैं। अच्छे से इसको सेकने के बाद में सभी पराठे आप इसी तरह से सेक लीजिए। रेडी है हेल्दी और टेस्टी खाना। अगर आप इसे और हेल्दी बनाना चाहें तो आलू की जगह आप और कोई सूखी सब्जी यूज़ कर सकते हैं। बाकी बूंदी के रायते का तो मज़ा ही अलग है इस पराठे के साथ में। उसमें आप पुदीने की पत्तियां और ऐड कर सकते हैं। ये खाना बहुत टेस्टी भी लगेगा और हेल्दी तो ये है ही।